चल चल चल। स्टार्ट है, कहानी शुरू है। गोरा उरा आ रहा हूं, देख ले, मैं आ रहा हूं तो चलने दे। नमस्कार साथियों, आज एनर्जी कम होने के कारण वो ऊर्जा आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि संतुष्ट कर पाऊं, ठीक है। आज की जो टॉपिक है वो है टेट पाम। पाम का मतलब होता है क्या? पाम का मतलब खजूर। पाम का मतलब, आज स्कूल में गए, पाम का मतलब खजूरी, हथेली। पाम का मतलब हथेली है। टेट का मतलब होता है खजूर, यानी ऐसा प्लांट। देखो जरा, ऐसा प्लांट जिसमें तना इस तरह से दिखे आपको, ये और इसका ऐसा तना, ये पेड़ ऐसे दिख रहे हैं, ये देख, ये कौन सा है? खजूर है। अच्छा, ऐसा ही पेड़ तुझे नारियल भी दिखता होगा, हाँ या ना? और नारियल को अंग्रेज लोग क्या बोलोगे? और क्या है? खजूर, जिसे क्या बोलते हैं? टेट। और क्या है? अरे कुछ सोच तो, जिंदगी में भगवान क्रेनियल कैपेसिटी दिए हैं सबको बराबर, हम में और तुम में कोई खास अंतर नहीं है, इतना तो मन में बना ले। एक टीचर और विद्यार्थी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। टीचर 3 साल पहले पढ़ लिया, वो तुझे पढ़ा रहा है, 3 साल के बाद अपन दोनों बराबर है, और मेरे ज्यादा तू नॉलेज वाले हो जाओगे। नारियल, खजूर, एक और है वाइल्ड पाम, क्या नाम है? और एक और नाम लिख देता हूं, PALM, पाम, जिसको बोलते हैं ताड़ का वृक्ष। ताड़ देखे हो, जिसकी पत्तियां ऐसी होती है, जिसके घरों में पहले ना ऊपर छत डालते थे उसकी पत्ती से, ताड़ का पेड़। कौन सा पेड़ है? इन सब में ऐसे होता है, जिसका प्लांट तुझे ऐसे दिख जाए, यानी जिसकी पत्ती ऐसे, ये हट गया, यहां से हटते गया, ये हटते गया, और यहां खाच बनते गए। क्या बनते जाता है बताओ? खाच, ऐसे ऐसे खाच बनते गए, खाच बनता गया, खाच बनता गया। ऐसे प्लांट अगर आपको दिख जाए नजरों में, तो इसकी फैमिली होती है पा मे सी, याद हो जाएंगे। बताओ फैमिली क्या हो जाएगा इसका? कौन सा फैमिली की बात करेंगे? पा मे सी, या तो फैमिली होगा ए रे सी, दो फैमिली याद रखोगे, ए रे सी, या ऐसे की फैमिली हम क्या बोलेंगे बताओ? पा मे सी, पा मे सी। पाम ट्री जो होते हैं उसकी फैमिली क्या होगी? पा मे सी। तो ये पा मे सी याद हो गया। अब इसका दो चार पॉइंट और इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, खजूर की चर्चा करेंगे अब। खजूर, डेट की चर्चा करोगे, बोटनिकल नेम में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आपको, क्या होगा बोटनिकल नेम बताओ? फोनिक्स, फोनिक्स डेक्टाइली फेरा, फोनिक्स डेक्टाइली फेरा। फैमिली की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ? पा मे सी, हिंदी में लिख लोगे पा मे सी, या इसी को ए रे सी, ये एरेसी हो गया, पामेसी एरेसी। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बताओ? खजूर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कहीं नहीं लिखा हुआ है ही नहीं, तो मैं भी फंस जाऊंगा रे ऐसे। ऑनलाइन वाले कोई बताना, खजूर में गुणसूत्र की संख्या? 36, 36। 2n बराबर कितना है बताओ? 36। और 38 किस में होते हैं? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा, 36, 38। तो 38 किस में होते हैं? अंगूर में, ग्रेप्स में क्या होगा? 38। अब बताओ इसका फल प्रकार की बात करेंगे, फ्रूट टाइप, फल प्रकार। तो इसके अंदर क्या लगते हैं बताओ? गुठली। तो क्या होगा फल प्रकार? ड्रुप। क्या होगा? ड्रुप, ये हो गया ड्रुप। और इसमें एक बीज होते हैं,
तो इसको बोलते हैं एक बीजीय बेरी। गुच्छा में लगता है ना खजूर, तो क्या बोलोगे? एक बीजीय बेरी यानी सिंगल सीडेड बेरी। क्या नाम है इसका? सिंगल सीडेड बेरी। तो सिंगल सीडेड बेरी किसका उदाहरण है? खजूर। खजूर के अंदर गुठली होते हैं, इसलिए क्या बोलोगे? ड्रुप। आम का क्या होगा? ड्रुप। कॉफी का? ड्रुप। आड़ू का? ड्रुप। आलू बुखारा? ड्रुप। जिसे पलम, पीच इन सब के नाम से जानते हैं, इसको ड्रुप बोलेंगे। बेर का? ड्रुप। जामुन का? ड्रुप। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका ड्रुप। ये खजूर आप देख रहे हो, खजूर से बनता है छुहारा। क्या बनेंगे? छुहारा। और ये जो खजूर है, देखो ये खजूर तो गुच्छे में लगते हैं ना, किस में लगते हैं ये? तो इसका होना चाहिए बेरी। जब ये निकलता नहीं है, इसके ऊपर एक कवर चढ़े रहते हैं। क्या चढ़ा रहता है? कवर, जिसको हम बोलते हैं चादर चढ़ा हुआ है। और जिसके ऊपर चादर हो उसे हम बोलते हैं स्पैडिक्स। क्या बोलोगे इसके? यानी इसके फूलों का क्रम इनफ्लोरोसेंस क्या कहलाएगा? स्पैडिक्स। जिसको बोलते हो पुष्प क्रम, पुष्प क्रम क्या कहलाएगा? स्पैडिक्स। मक्का में देखते हो हटाते हैं, भुट्टा खाते हो ना, स्पैडिक्स। केला में हटाते हैं, स्पैडिक्स। नारियल में उसकी कवर हटाते हैं, फाइबर हटाते हैं, स्पैडिक्स। खजूर का भी क्या होगा? स्पैडिक्स। क्या होगा इसका? स्पैडिक्स। याद रह जाएंगे स्पैडिक्स। चले अब आगे। बोटनिकल नेम फोनिक्स, कूल हो गया पामेसी। फल प्रकार एक बीजीय टाइम। उत्पत्ति कहाँ है याद करवा चुका हूं। कहाँ कहाँ कंफ्यूजन था? अनार। एक बार अब लास्ट बार ये आ रहे हैं, अनार। अनार का न, इसका ईरान। और खजूर का इराक। खजूर का कहाँ है बताओ? इराक। तो ये दोनों याद हो जाएंगे, ईरान और कहाँ? इराक। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले आगे बढ़ जाएं। 2n बराबर कितना होगा? 36। और 36 किसका है? बेल। शंकर भगवान को चढ़ाते हो ना, बेल इसका। और कौन है? फालसा, जिसके क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 36। पुष्प क्रम की बात करें इनफ्लोरोसेंस, तो इसका इनफ्लोरोसेंस होगा स्पैडिक्स। स्पैडिक्स क्या है? स्पैडिक्स। ये और किसका होता है बताओ? केला का। और किसका होगा? नारियल का। और किसका होगा? मक्का का। इन सब के फूलों का क्रम क्या होता है? स्पैडिक्स। ठीक है, चलो। तो ये स्पैडिक्स आपको दिख रहा होगा, स्पैडिक्स। अब हम बात करते हैं खाने योग्य भाग। कौन सा भाग खाओगे? इस खजूर का ऊपर वाले खाते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प। क्या बोलोगे बताओ? पेरिकार्प। तो पेरिकार्प खाते हैं। देखो अमरूद में बड़ा कंफ्यूजन होते हैं, ये अमरूद को आप ऐसे याद रखना। अमरूद में भी ऊपर वाले भाग खाते हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प प्लस थैलेमस। ये याद रखना, अपने बुक में चेंज कर देना थोड़ा सा, वहां पे थैलेमस, बुक में क्या होगा? प्लासेंटा। तो अमरूद का कौन सा भाग खाते हैं? पेरिकार्प बाहर बाहर वाले, प्लस कौन? थैलेमस। तो ये ध्यान में रखना, पेरिकार्प प्लस थैलेमस। अब हम बात करते हैं खजूर कैसा पौधा है। तो खजूर कैसा है? C4 प्लांट। कैसा है? C4 प्लांट। C4 प्लांट में क्या बताया था? जिसका तना क्या होता है बताओ? मोटा होता है। कौन कौन सा? अगर पूछा जाए ज्यादातर C4 प्लांट किस कूल वाले होते हैं, तो ग्रेमनी कूल वाले। किस कूल वाले? ग्रेमनी कूल वाले। पोएसी कूल बोल सकते हो, ग्रेमनी कूल बोलोगे इसको। जैसे ज्वार का होता है, बाजरा का होता, ये लिखा है ज्वार, बाजरा, गन्ना, मक्का। इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, ज्वार को क्या बोलते हो? सौरगम। इसको क्या बोलोगे? पर्ल मिलेट। इसको क्या बोलेंगे? सुगर केन। इसको क्या बोलेंगे? मेज। ये लिखा भी है, देख एक एक को चेंज करना पड़ता है। एमरेंथस को क्या बोलते हैं? चोलाई। क्या बोलोगे? ये सब कैसा पौधा है बताओ? C4। और C4 पौधे की एक खास विशेषता होती है कि इसमें भगवान दो कोशिका में भोजन बनाने का ऑर्डर दिए। एक कोशिका का नाम है मीजोफिल सेल। कौन सा नाम है? मीजोफिल सेल।
और दूसरे का नाम है बंडल सिथ सेल, बंडल सिथ सेल। तो ये जो दो कोशिका है इन दोनों में भोजन बनते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं क्रेंज एनाटोमी। क्या बोलते हैं? एनाटोमी। तो पूछेगा क्रेंज एनाटोमी किस में पाया जाता है? क्रेंज एनाटोमी तो ये पाए जाते हैं सी4 वाले प्लांट में। तो क्या समझोगे सी4 किसे कहते हैं बताओ? ऐसा प्लांट जिसमें दो तरह के किचन पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सी4 प्लांट या क्रेंज एनाटोमी। विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, सेक्स रेशियो कोई मतलब नहीं है। ये कैसा है बताओ? क्लाइमेट्रिक। मीठा होता है इसलिए कैसा है? क्लाइमेट्रिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे खजूर कैसा होता है, एक लिंगी। और एक लिंगी और कौन होता है बताओ? पपीता कैसा होता है, एक लिंगी। पपाया कैसा होगा, एक लिंगी। उसके बाद परवल की बात करें तो ये भी कैसा होगा, एक लिंगी, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड। कौन सा गार्ड है बताओ? पॉइंटेड गार्ड। ये कैसा होगा, एक लिंगी। तो ये ध्यान रखोगे पपीता एक लिंगी है, परवल क्या है, एक लिंगी है, खजूर कैसा है बताओ, एक लिंगी। खजूर एक लिंगी, जिसे हम डायोशियस कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? डायोशियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट इज डायोशियस प्लांट, एक लिंगी, जिसमें नर की कितना आवश्यकता होता है? 10% क्या होंगे इसमें? नर, मेल प्लांट होंगे। अब आते हैं इसमें एकांतरण फलन की समस्या पाई जाती है, यानी एक साल फल आएंगे उसको हम ऑन ईयर कहते हैं, और एक साल फल नहीं आएगा उसको कौन सा ईयर कहोगे? ऑफ ईयर। तो आपको पूछेगा ऑन ईयर ऑफ ईयर किसमें पाया जाता है? तो ये पाए जाते हैं आम में। और कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा खजूर में। और कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाता है सेब में। और कहाँ जब पाया जाता है? ये पाया जाता है पिस्ता में, पिस्टाचू नट में। तो इन सब में पाया जाता है। अच्छा, आम का फैमिली और कौन है? काजू। तो काजू में भी पाया जाता है एकांतरण फलन की समस्या। क्या पाया जाता है? अच्छा, आम की फैमिली क्या है? तो आम की फैमिली है एनाकार्डियेसी। क्या है? एनाकार्डियेसी। तो काजू का भी क्या है? एनाकार्डियेसी। इन सब में प्रॉब्लम होते हैं, एक साल फल आएगा और एक साल फल नहीं आएंगे, जिसे हम कहते हैं एकांतरण फलन। कौन सी फलन है? एकांतरण फलन। परागण किसके द्वारा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम पोलिनेशन की बात करें इसमें, तो इसमें होता है किसके द्वारा? हवा के द्वारा। अब हवा के द्वारा ये लास्ट बार आ रहा है अपने, कौन कौन करवा दिया था बताओ? पपीता का किसके द्वारा होगा बताओ? हवा के द्वारा। अनार का किसके द्वारा हुआ था बताओ? पोमग्रेनेट, हवा के द्वारा। ऐसे यहां लिखा हुआ है। डेट में किसके? हवा के द्वारा। पपाया में? हवा के द्वारा। सपोटा चीकू की बात करें, हवा के द्वारा। काजू में? हवा के द्वारा। बीट में किसके द्वारा? हवा के द्वारा। स्पिनेच की बात करें, पालक की, तो किसके द्वारा होता है? हवा। तो ये लिख लेना, कुछ पॉइंट हो सकता है हिंदी में कम हो तो, पर इंग्लिश से आप लिख लिया करो। इन सब में होता है हवा के द्वारा। एक और छूट गया, कौन? अनार। और अनार को क्या बोलते हो? पोम ग्रेनेट। इसमें भी होता है किसके द्वारा? हवा के द्वारा। एग्जाम में सर कौन कौन इंपॉर्टेंट आते हैं? तो खजूर पूछा जाता है, पपाया पूछा जाता है, अनार पूछे जाते हैं। ये तीनों याद रखना, कौन कौन? खजूर, पपाया और पोमग्रेनेट। खजूर, पपाया और पोमग्रेनेट, जिसमें किसके द्वारा होते हैं बताओ? ये होते हैं हवा के द्वारा। और हवा के द्वारा होगा तो इसे हम कहते हैं एनीमोफिली। क्या बोलोगे? एनीमोफिली। कौन सा फीली है बताओ? एनीमोफिली। हवा के द्वारा होगा, इसको हम बोलते हैं एनीमोफिली। अगर हवा मिला तब तो ठीक है, क्योंकि खजूर कैसा है मुरली? एक लिंगी है। इसमें कितने लिंग पाए जाएंगे? एक लिंगी, यानी एक खजूर है इसमें देखो एक लिंग पाया जाएगा। सपोज दैट ये नर है। क्या है? ये नर। और दूसरा जो खजूर इधर है ये है मादा। क्या है? ये मादा। तो मादा को ऐसे बना देते हैं, यानी ये है फीमेल और ये क्या है? मेल। अब ये मेल है उदयपुर में, मेल कहाँ है भाई? एक पेड़ में एक ही लिंग है, तो इसे हम एक लिंगी कहते हैं।
और ये मादा इंतजार कर रही है बीकानेर में, कहाँ है, बीकानेर में। अब यहां से इसका नर चला, नर कौन है, पोलेन ग्रेन, कौन है, पोलेन ग्रेन, जिसे हम क्या कहते हैं, परागकण, पोलेन ग्रेन। अब ये ग्रुप बना के चला तो लोग पूछने लगे रास्ते में, कहां जा रहे हो भाई, बीकानेर जा रहा हूं। कहां जा रहा है, बीकानेर। बीकानेर पहुंच तो गया, लेकिन इसे ऊपर से जब बीकानेर पहुंचने वाला था, हवा और तेज हो गया बीकानेर में, तो जहां पे इसको गिरना था उससे 20 किलोमीटर जाके दूर गिरा। माता इंतजार कर रही थी, यार खत में तो लिखा था कि 24 तारीख को आने वाला हूं, ये 24 तारीख गुजर गए, तो 24 तारीख को न्यूज आया था कि आज भारी वर्षा हो सकते हैं, तेज हवा चल सकती है, तो उसी तेज हवा में जो पराग कण चल रहे थे उदयपुर से, वो कहां चला गया, बीकानेर के बाहर, बीकानेर के बाहर गया। मादा इंतजार करती रही, वैज्ञानिकों के बोलो, भाई साहब आपने मुझे धोखा दिया, मेरा नर तो पहुंचा ही नहीं मेरे पास। बोला रुक जा। अब ये गया पुनः कहां, उदयपुर। कौन आया, वैज्ञानिक। बोला रे गधेड़े, तू लोग को जहां भेजता हूं वहां जाता नहीं, कहीं और चल जाता है, इसलिए क्या किया, अब इसको डस्टिंग किया। क्या किया, डस्टिंग। जैसे पहले, अभी तो ये बोर्ड है, तब ना पहले बोर्ड होते थे, चौक होते थे, तो गुरुजी लिखते थे, उसका छोटा छोटा कण देखता था, बोर्ड पे जमा हो जाते थे ना, वही है पोलेन ग्रेन। अब इसको डस्ट करेगा और एक पेपर होता है उस पर इकट्ठा करके बंद कर लिया, ठीक है। अब ये मादा के पास ले गया और पेपर झाड़ दिया, ले मादा खुश हो गई, बोले हाँ अब आया कौन बताओ, पोलेन ग्रेन। ये पोलेन ग्रेन कहाँ जाएगा, अब आएंगे नीचे की ओर, ये होते हैं हस्त परागण, जिसका कोई नहीं है ना, उसका सहारा हाथ है, कौन है, हाथ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हस्त परागण, यानी कि हैंड पोलिनेशन। किसके द्वारा होगा, हैंड पोलिनेशन। नरेंद्र भैया समझ गए हैंड पोलिनेशन है, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, हाथ है, ठीक है, चले आगे। अब आते हैं आगे, पूर्ण पकने हेतु, जब पूरी तरह से पक जाए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, या पूछेगा कि कौन सी फल से उष्मा इकाई संबंधित है, यानी हीट यूनिट संबंधित है। तो देखो, खजूर एक ऐसा पेड़ है जिसको जितना ज्यादा आप उष्मा दोगे उतना ही इसको आनंद आएगा। अगर इस खजूर को ना आप जम्मू कश्मीर में ले चले जाओ तो ये उत्पादन नहीं देगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, गर्मी, और कितने घंटे चाहिए, 3300 घंटे, और ये इतना घंटा जम्मू कश्मीर में गर्मी संभव नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ हीट यूनिट, उष्मा इकाई किससे संबंधित है, तो क्या बोल दोगे, खजूर से। और खजूर के लिए एक कहावत है, जैसे ये खजूर है तो इसका सर कहां है बताओ, ऊपर, गर्मी राजस्थान में लगते हैं, लगता है यार आग चल रहे हैं, तो सर कहां है, आग में, और इसकी जड़ें ना बहुत गहरी होती है, डीप रूटेड जड़ होते हैं। पानी की खोज में कहां चला जाएगा ये बताओ, पानी की खोज में ये आ जाएगा बहुत अंदर, ये देखो ये अंदर आएंगे पानी की खोज में, और ये सर कहां है, इसके आग में। तो इसके लिए एक कहावत है कि सिर कहां है, आग में, और पैर कहां है बताओ, पानी में, प से पैर, प से पानी, पैर कहां है इसका, पानी में, और सर कहां है, आग में। ये कहावत किसके लिए प्रचलित है, तो ये कहावत प्रचलित किसके लिए है, खजूर के लिए। छोटी सी कहानी है, चलो अब यहां आ जाते हैं। खजूर से प्राप्त पदार्थ जो होते हैं, जो इससे पेय पदार्थ, बेवरेज प्रोडक्ट, बेवरेज प्रोडक्ट जो हम इससे पाते हैं, उसका नाम है डिब्बिस। क्या नाम है बताओ, डिब्बिस। जैसे एक खजूर है, खजूर में देखा होगा एक इंसान, इसी इमेज को बना देता हूं, एक इंसान खजूर में यहाँ पे चीरा लगा देगा, यहाँ पे चढ़ेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, पीछे घड़ा बांधे रहेगा, देखा है, नहीं देखा ऐसा, ताड़ खजूर में इंसान जो चढ़ते हैं पीछे घड़ा बांधे रहते हैं,
अब वो चढ़ गया, यहां पे घड़ा लगा दिया। ये क्या है? घड़ा, पीचर, पीचर। अब जब इसमें चीरा लगाओगे तो इसके रस आएंगे, ये रस इसमें भर जाएगा। और ऐसा ही पेड़ हमने किसका बताया था बताओ? ताड़ का पेड़। कौन सा पेड़? जिसकी पत्तियां ऐसे ऐसे दिखेंगे, आपको याद आ रहा होगा, ऐसे ऐसे पत्ती। तो ये क्या है? ताड़ का पेड़। ये और बड़ा होते हैं और इसकी तना काला, तना कैसा है? काला। इस पे चढ़ोगे, इस पे भी चीरा लगा के घड़ा बांध दोगे, तो ये जानते हो एक दिन में 50 लीटर पेय पदार्थ दे देता है। कितने लीटर? 50। और खजूर आपको देगा 30 से 35 लीटर के आसपास। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा डिब्बिस किससे मिलते हैं? ताड़ का पेड़ से। किससे मिलते हैं? ताड़ का पेड़। अब ये जो पेय पदार्थ आपको मिला डिब्बिस, डिब्बिस, इसमें पूछेगा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुर होते हैं। गांव के लोग जो होते हैं ना, वो रोज दारू खरीद के तो पियेंगे नहीं। 400 रुपया में दारू का बोतल, 500 रुपया में मिनिमम आते हैं 500 रुपया में, और गांव में बेचारा 200-300 रुपये तो कमाते ही है। 500 के दारू पी जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा फैमिली। तो वो क्या करता है, इसी को बना देगा बर्तन। उधर बर्तन उर्तन नहीं ले जाते हैं कि रोज बर्तन ले जाऊंगा पीने के लिए। इसी पत्ती को बना देगा क्या, पात्र के जैसा, एकदम बहुत अच्छा बनता है। अब उसमें दे देगा भर भर के। घर से ले जाता है पीने वाला केवल सूखा हुआ चना पैकेट में, ऐसे लुंगी बांधेगा तो लुंगी में ही ले चला जाएगा, थोड़ा सा बीबी से लड़ करके, अः वो चना देना थोड़ा सा, की कर वो नारू भैया चना, अरे देन थोड़ा सा। तो बीबी से मांग करके चना ले गया, और ये चना को वहां सब दोस्त आते हैं 5-7, तो थोड़ी थोड़ी चना, मजा आता है इसको। दोपहर का मौसम, गर्म जलवायु, और अंदर क्या जा रहा है बताओ? डिब्बिस। क्या जा रहा है इसको ना, आप एक्चुअल बताता हूं, एकदम फ्रेश वाला जो पियोगे तो मजा आ जाएगा, शरीर एकदम लाल हो जाएगा, एकदम खूबसूरत। पी सकते हैं? ये क्या लग रहा है, दारू थोड़े है पागल? नहीं है। नारियल के पानी, खजूर के पानी, ताड़ के पानी, ये सब काफी न्यूट्रिशियस होते हैं। अब गांव में इसको प्रचलित कैसे बना दिया कि गंदी चीज है, खराब। देखो क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। अब इसको छोड़ देता है, छोड़ देता है। अगर इसको आप 1-2 दिन घड़ा में छोड़ दो, तो ये कार्बोहाइड्रेट अब चेंज होने लगेंगे एल्कोहल में। किसमें चेंज होने लगेगा? एल्कोहल। अब ये बनने लगेगा C2H5OH। अब इसमें एल्कोहल, 1-2 दिन के बाद वैसा तो छाछ भी छोड़ दो तुम, तो वो भी खट्टा होने लगते हैं, पर उसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, इसलिए नशा के आते हैं कम आते हैं। लेकिन यही कार्बो, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में है खजूर में, तो इसको छोड़ दोगे तो अल्कोहल बनेंगे। अब इसको अगर खट्टा डिब्बिस को पियोगे तो मजा ला देगा, हिला देगा एकदम। अब इसी को गांव में बोलता है देसी शराब पी लिया। क्या बोलेगा? तो देसी शराब गांव का दो साधन, एक तो महुआ, एक क्या है, महुआ, उससे तो मजा आ जाएंगे, और एक हो गया खजूर। एक क्या हो गया? तो डिब्बिस भूलोगे अब, तो ये हो गया आपका डिब्बिस कंप्लीट। खजूर का कौन सा भाग खाते हैं? बाह्य फल वित्ती, जिसको अभी तो बोला, क्या कहोगे? पेरिकार्प। कौन सा कार्प बोलोगे? पेरिकार्प। ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की ओर। अगला प्रश्न आपके पास कुछ नहीं है, इधर चलते हैं आगे। बढ़िया हुआ आज ऐसा ही चीज मिला, जिस सुस सुस। ये देखे वो मक्का, ऐसा मक्का जिसमें विभिन्न तरह के रंग आ जाए, तो ये कहलाते हैं जीनिया प्रभाव। क्या कहलाता है बताओ? जीनिया। जीनिया प्रभाव अगर पूछा जाए किसमें होते हैं, तो एक लाइन में बोल दोगे जियामेज। किसमें होते हैं बताओ? जियामेज में कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा? अगर पोलन, अब ये किसके कारण होता है, तो पराग कण के कारण। किसके कारण? परागकण इफेक्ट है, यानी कि पोलेन ग्रेन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? पोलेन ग्रेन का प्रभाव है, GRAIN, पोलेन ग्रेन का इफेक्ट है। किस पे इफेक्ट है? तो इम्ब्रियो पे। किस में है? इम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण पे। तो ये तो कहलाता है जीनिया। क्या कहलाएगा? जीनिया इफेक्ट,
जीनिया इफेक्ट, इफेक्ट जियामेज, क्या याद रखोगे? जियामेज। लेकिन यहां क्या है? मेटाजीनिया, मेटाजीनिया। तो मेटाजीनिया जो होता है इसमें भी पोलन ग्रेन का प्रभाव, पोलन ग्रेन यानी पराग कण का प्रभाव ये इम्ब्रियो पे नहीं होते हैं, पेरिकार्प पे होते हैं। किस पे होता है? पेरिकार्प यानी कि फल भित्ति पे होते हैं। तो ये कहलाता है मेटाजीनिया। इसमें भी रंग बदल जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा अंगूर में गुलाबी रंग का अंगूर, काला अंगूर, उसके बाद आपने देखा होगा खजूर में भी आते हैं दो तीन रंग, करेला में आपने देखा होगा, खीरा में आपने देखा होगा, इन सब में पाया जाता है क्या? मेटाजीनिया। क्या पाया जाता है? कहां कहां पाया जाएगा? अंगूर में, खजूर में, करेला में, खीरा में। अंग्रेज लोग बोलेगा इसको ग्रेप्स, डेट, बीटर गार्ड और कुकुम्बर। क्या बोलेगा? ककुम्बर, कुकुम्बर। तो ये चार और एक पांच याद रह जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो इधर दिखाया हूं। तो ये आपको मेटाजीनिया, डेट पाम ऑल्सो इन बीटर गार्ड, कुकुम्बर, इन सब में पाई जाती है क्या? मेटाजीनिया का इफेक्ट, डिफरेंट टाइप का पेरिकार्प पे कलर हो जाए, मेटाजीनिया। पुष्प क्रम बता दिया हूं जिसके ऊपर चादर हो, केला, नारियल, मक्का, इन सब में क्या होते हैं बताओ? स्पैडिक्स। क्या होगा? स्पैडिक्स। पोलिनेशन किसके द्वारा? ये भी करवा दिया हूं, किसके द्वारा? हवा के द्वारा। और ये होते हैं लवण सहनशील, यानी ये होता है क्या? सॉल्ट टॉलरेंट। ऐसा फल जो सूखे प्रदेश में होते हैं वो क्या होगा? सॉल्ट टॉलरेंट। और सबसे ज्यादा कौन होता है बताओ? खजूर। उसके बाद है कौन? बेर। उसके बाद कौन है? अनार। उसके बाद कौन है? आंवला। उसके बाद कौन है? करौंदा। तो ये सब सूखे प्रदेश में होते हैं और ये कैसा होगा बताओ? सॉल्ट टॉलरेंस। कैसा होगा बताओ? सॉल्ट टॉलरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉल्ट टॉलरेंस समझ गए, लवण सहनशील। सर्वाधिक क्या पाया जाता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। देखो मैं ही पढ़ाया हूं, मैं ही फंसता हूं, मैंने ही पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है रेजिन में, जिसे हम बोलते हैं किशमिश। क्या बोलते हो? लेकिन किशमिश कोई फल नहीं है। ऐसा देखे हो कोई पेड़ पे किशमिश लगे हुए हैं? क्या लगता है? अंगूर, थॉमसन सीडलेस वेराइटी है, उससे किशमिश बनाएंगे। तो किशमिश एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोडक्ट है। किशमिश अगर ऑप्शन में ना हो तो हम टिक क्या करेंगे बताओ? खजूर। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कहां मिलेगा? खजूर। ये याद रखना। और एक याद रखेंगे, केला में, केला में बता दिया था 26.5, कितना? 26.5। रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खजूर में कितने होते हैं? 68% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कितने पाए जाते हैं? 68%। चले आगे बढ़ जाए, चलो 72% आपको किशमिश में मिलेगा। अब आते हैं ये केला में, देखो ये लिखा हुआ है शर्करा इतना पाई जाती है। इसके लिए कहावत क्या है? पैर पानी में तथा सिर कहाँ होंगे? आग में। 1 किलोग्राम अगर आप खजूर खाओगे तो कितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाएंगे आपको? 2150 किलो कैलोरी। इसीलिए खजूर खाना चाहिए। खजूर जो है ये स्टेबल फूड है, ये प्रश्न अच्छा बनेगा। STAPLE स्टेबल फूड है, कहाँ का? तो ये है खाई देश का। खाई देश समझते हो? खाई देश, खाई देश नहीं समझते, वहां लोग कमाने के लिए जाते हैं। सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, और कौन हो गया? इराक हो गए, ईरान हो गए, इन सब में क्या है? खाई देश में क्या खाते हैं बताओ? खजूर, एज ए स्टेबल फूड। जबकि भारत में स्टेबल फूड क्या है? स्टेबल फूड, स्टेबल वेजिटेबल्स यहाँ चलते हैं। आलू है, कुछ भी बनाओगे ये बीच में कूद जाएगा, कुछ भी बनाओ आलू आ जाएंगे। शकरकंद कहाँ का है? एक लिख देता हूं, पढ़ा चुका हूं रे ये सब। शकरकंद है अफ्रीका का। कहाँ का है बताओ? अफ्रीका। स्वीट पोटैटो का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, शकरकंद लिख दिया, सॉरी रतालू, रतालू, याम। अंग्रेज लोग इसको क्या बोलते हैं? याम। याम कहाँ है? अफ्रीका का।
खाई देश का क्या है, सऊदी अरब, इराक, ईरान, देखता होगा खजूर जो पैकेट में बंद आते हैं, तो नाम सुना होगा ये इराकी खजूर है, ये कहाँ है, इराकी है, ईरानी खजूर है। तो उधर खजूर बहुत अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, और उसमें क्या कौन सी मात्रा ज्यादा होती है बताओ, कार्बोहाइड्रेट। और आपको बता देता हूं स्टरिलिटी, बांझपन, जो विटामिन ई की कमी से होते हैं, किसकी कमी से होते हैं बांझपन, विटामिन ई की कमी से, खजूर खाने से विटामिन ई की संश्लेषण ज्यादा होते हैं, रतालू खाने से, खजूर खाने से बांझपन दूर होते हैं, बांझपन क्या होता है दूर। तो ये सब खाना चाहिए, देखता होगा जब कमजोरी हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है खजूर और दूध मिला के खाया कर, बादाम को खाया कर, तो इन सबको खाना चाहिए, ये सब विटामिन ई की मात्रा को बढ़ाते हैं। 1 kg से इतना कैलोरी। मृदा कैसी होगी, सब में बता दिया, दोमट और गर्मी पसंद करता है, इसलिए पीएच क्या होगी ज्यादा, 7 से क्या होगी ज्यादा। जलवायु कैसा होगा, शुष्क, शुष्क को क्या बोलते हो एरिड, ये सूखे हुए को पसंद करेगी, कोई दिक्कत नहीं, खजूर उग जाएंगे, गर्मियों तो इसको खूब पसंद है। ये छोटका खजूर है, तो बड़का खजूर के बगल में निकलते हैं छोटका खजूर, ये बड़का खजूर है, इसके बगल से ये छोटका छोटका निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑफशूट, क्या बोलते हैं बताओ, खजूर के बगल से देखा है ना निकलते हुए छोटका खजूर, इसको क्या बोलेंगे ऑफशूट। ऑफशूट को हिंदी में क्या कहते हो, कहीं कहीं देखा होगा लिखते हैं अंतः भूस्तारी, लेकिन ना आप यही याद रखना, ये हिंदी में बड़ा दिक्कत कर देते हैं कहीं कहीं, तो क्या याद रखेंगे ऑफशूट। और ये छोटका खजूर का वजन जो होता है ये होते हैं 12 से 13 kg, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट पूछ ले कि नहीं मुझे एग्जैक्ट बताओ, तो ये कितना रखना चाहिए आइडियल 13 kg, कितना रखोगे 13, तो कितना होना चाहिए बताओ खजूर का वजन 12 से 15, एग्जैक्ट अगर बोला जाए तो कितना 13, ये क्या कहलाता है ऑफशूट, क्या कहलाएगा ऑफशूट। ये ऑफशूट कहां से विकसित होते हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो खत्म कहानी अपना। तो इसके नीचे ना ये छोटी सी जो भाग बना रहा हूं, दूसरे पेन से बना देता हूं, ये वाले पोर्शन जो है इसको आज के बाद हम बोलेंगे राइजोम, क्या बोलोगे। अरे सर ये राइजोम आपने केला में भी बताया, केला ना, केला हाँ ठीक, किसमें बताया था केला में, केला में भी क्या बताया राइजोम, राइजोम से क्या निकलेगा सकर्स, उससे क्या निकलेगा शॉर्ट सकर्स, तो यहां भी क्या आंसर जाएगा इसका राइजोम। बताओ छोटका खजूर को क्या बोलोगे ऑफशूट, जिसका वजन कितना होता है 12 से 15, एग्जैक्ट पूछा जाए तो कितना 13, खजूर का पीएच कितना होगा 8, और इसको क्या बोलते हैं उष्ण, गर्मी में आएगा या ठंडे में, गर्मी में। तो खजूर के लिए क्या कहावत है, सर कहाँ है आग में, पैर कहाँ है पैर में। अच्छा ये C3C4 या कैम प्लांट क्या होते हैं, ये C4 प्लांट होता है, कैसा प्लांट है बता, ये C4 प्लांट। अच्छा खजूर एक लिंगी होता है या द्वि लिंगी होते हैं, क्या होता है ये खजूर द्वि लिंगी, एक लिंगी, ठीक है 12 से 14 बेस्ट है। एक लड़का क्या बुलडेजर बाबा क्या लिखा रे, मेवल या निशा क्या पता नहीं। अब आ जाओ खजूर में तोड़ाई की विभिन्न अवस्था इंपॉर्टेंट है, अंकित सर क्या ट्रिक बताए थे इसके, क्या बताए डॉक्टर ने पीटा, मुझे तो ट्रिक उड़के आते नहीं, चल याद तो है ना, तो ये पढ़ाने की जरूरत तो है ना, तो तू ट्रिक ही भूल जाता है, ऐसे ट्रिक बनाना क्यों, जब हम भूल जाएं कि कौन ट्रिक कहां लगेंगे, क्या मतलब है बताओ। अब आ जाते हैं, पहला है किमरी, क्या है इसे हम बोलते हैं गंडोरा, ये हमारे काम की नहीं, देखो फल कैसा होगा हरा, अभी फ्रूट कैसा है बताओ, इसमें फ्रूट का कलर अगर पूछा जाए तो कैसा है किमरी में, हरा है, और हरा रहेगा तो ये फल कैसा रहेगा बताओ, क्या याद करोगे, कठोर रहेंगे ना, हार्ड रहेगा, इसी अवस्था में तोड़ लेते हैं, इस अवस्था में क्या करते हैं तोड़ लेते हैं, आदिवासी लोग इसी अवस्था में खजूर को तोड़ लेते हैं, उनको डर लगता है कि कोई हमारे खजूर तोड़ ना ले जाए, तो वो कच्चे में ही खजूर को तोड़ के रख लेंगे, कौन सा अवस्था में रख लेते हैं बताओ, गंडोरा या किमरी अवस्था, सबसे कच्चा अवस्था कौन है बताओ गंडोरा,
या किमरी। क से किमरी, क से कच्चा याद रख ले, तो ये हो गया। और कच्चा रहेगा तो वो कैसा है बताओ, हरा। कैसा रहेगा, हरा हरा खजूर तोड़ लिया। यहां से इंपॉर्टेंट डोका, कौन सी अवस्था है, फल पूर्ण विकसित ठोस पीले रंग का होगा फल, ये है डोका अवस्था। कौन सी अवस्था है, डोका, तो ये डोका अवस्था है। तो डोका में देखो, पहले तो हमारे देश में काम किया आदिवासी, उसके बाद हमने क्या बोला, डोका। अब अन्य देश की बात करता हूं, ब्रिटेन उटेन, तो ब्रिटेन आर में ना चोरी उरी कम होते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। हम खजूर लगाए हुए, हमें डर लगते रहता है कि अरे ज्यादा पक जाए कहीं तो कल कोई तोड़ के ना ले जाए। तो हम भारतीय भी जल्दीबाजी दिखाते हैं, और कौन से स्टेज पे तोड़ लिया बताओ, टोका। इसके बाद की अवस्था जो बनते हैं, देखो अभी ये हल्का सा कच्चा ही है, माने कि मैच्योर है, इसको क्लाइमेट्रिक है ना। अब मान लिया जाए इस खजूर को यहां से हमें पाकिस्तान भेज देना है, तो इसी अवस्था पे तोड़ लेंगे, 3-4 दिन में पकेगा। क्लाइमेट्रिक फल ऐसे फल होते हैं जो चलते रहेगा पकते रहेगा, चलते रहेगा पकते रहेगा, तो 2-3 दिन जाने में लगेंगे, 2-3 दिन इसको पकने में लग जाएगा। तो ये पूछ लेगा कि लंबे दूरी के लिए कौन सी अवस्था पे तोड़ लेंगे बताओ, लंबे दूरी भेजना है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट करना है, तो कौन सी अवस्था पे तोड़ लेंगे, डोका अवस्था पे। कौन सी अवस्था पे, डोका। ये है डैंग अवस्था। क्या है, डैंग। तो डैंग अवस्था जो होते हैं ना मुलायम होते हैं, क्या होता है बता, मुलायम। फलों का शीर्ष क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट फ्रूट। फ्रूट क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो गए। अन्य देश में इसी अवस्था में तोड़ते हैं। अगर हार्वेस्टिंग की बात करें तो अदर कंट्री में हार्वेस्टिंग इसी स्टेज में करते हैं, और ये कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। देखो अगर थोड़ा सा कड़वा रहेगा ना, ये कच्चा रहेगा तो वो कड़वा लगेगा। खाने के लिए, खाने के लिए कौन सा यूज करेंगे बताओ, खाने के लिए, फ्रेश खाने के लिए कौन सा अवस्था है, टैंक। कौन सा अवस्था है बताओ, सबसे पहले आपने किमरी, सबसे कच्चा टोका भारत में तोड़ लिया, उससे थोड़ा सा पका हुआ टैंक। अन्य देशों में कई ऐसे होते हैं जो छुहारा बनाते हैं, ये क्या है, छुहारा। तो ये है पिंड खजूर। कैसा खजूर है, सबसे पका हुआ खजूर क्या कहलाएगा, पिंड। सबसे कच्चा क्या कहलाएगा, किमरी। भारत में किस अवस्था पे तोड़ते हैं, डोका। अदर कंट्री में डैंग। लग रहा है ना, डोका का मतलब लग रहा है कि अभी थोड़ा सा कठोर तो है, तो थोड़ी सी कठोर क्या है, डोका, किमरी, डोका, डैंग। डैंग क्या है, अन्य देशों में। और सबसे पका हुआ खजूर कौन होगा, पिंड खजूर। कौन सा है, पूरी तरह से पक जाते हैं और सूख जाता है, और इसी से बनाया जाता है छुहारा। इसी को सुखा देगा तो क्या बन जाएगा बताओ, छुहारा। छुहारा किससे बनता, अच्छा पैकेट में जो पैक आता है पिंड खजूर, देख लिया ना, तो ये कौन है, पिंड खजूर। कैसा है ये, पिंड खजूर। अब आगे बढ़े, बताओ चारों अवस्था बता दो मुझे, जल्दी जल्दी बता दो, कौन कौन। सबसे पहला किमरी, किमरी याद रखो, किमरी। उसके बाद डोका, उसके बाद डैंग, उसके बाद पिंड। सबसे पका हुआ कौन है, पिंड। अगर फ्रेश मुझे खाना है कि अभी लाओ नरेंद्र अभी तुरंत खाऊंगा, तो कौन सा अवस्था, डैंग अवस्था। कौन सी अवस्था, भारत में कौन सी अवस्था पे तोड़ा जाता है, डोका। अन्य देशों में डैंग, अन्य देशों में छुहारा बनाने के लिए पिंड खजूर। कौन सा खजूर, पिंड। छुहारा बनाने हेतु उपयुक्त वैरायटी की बात किया है कि मेकिंग छुहारा, अब क्या बनाना है बताओ, छुहारा। छुहारा मेकिंग के लिए आपको कौन कौन सी वैरायटी इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है खदरावी, खदरावी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी आपको ना खजूर में 4 वैरायटी याद करना है, सब जगह वही आएंगे, देख लो आप। मेडजूल, ये दूसरा याद रख लोगे, मेडजूल। कौन कौन याद रखा, खदरावी और दूसरा कौन है, मेडजूल। 2 वेराइटी याद हो गए, खदरावी और मेडजूल। इससे क्या बनाया जाता है, छुहारा। क्या बनाएंगे, छुहारा। ताजा खाने के लिए फ्रेश कंजम्पशन, फ्रेश आपको कंज्यूम करना है। तो अभी तो आपने बोला फ्रेश खाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसका नाम है हलावी। क्या नाम है, हलावी। खुनेजी नहीं आएगा, बरही इंपॉर्टेंट, वरही, वरही।
ये इंपॉर्टेंट है, अधिक पैदावार देता है। तो कभी कभी ये भी पूछेगा वर ही किसकी वैरायटी है, तो ये किसका है बताओ, खजूर का। हलावी क्या है, ताजा खाने के लिए क्या है, हलावी। मुलायम किस्म, सॉफ्ट वैरायटी, सॉफ्ट वैरायटी, ये भी कौन है, हलावी, खदरावी, बरही, मैजुल। कठोर किस्म, हार्ड कौन है, जाहिदी, नूर, ये सब क्या है, जाहिदी, जाहिदी, ये कैसा है, कठोर वैरायटी। कौन सी वैरायटी है, कठोर। तो ये यहां से ध्यान रखोगे। जूस बनाने के लिए, जैसे जूस, जैसे जगलूल, ये ध्यान में रखोगे, जगलूल। असमान, अनइवेन, अनइवेन मैच्योरिटी, ये रहने देना सामरान कभी। पिंड खजूर, ये इंपॉर्टेंट है, पिंड, पिंड वैरायटी, ये याद रखोगे, कौन है, जाहिदी। पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न राजस्थान में कौन लगाते हैं, हलाबी, ये स्टार लगा देना। सर्वाधिक टीएसएस किसका होता है, हलाबी का, और इससे भी ज्यादा है सामरान। तो आप चार वैरायटी याद रखना, ज्यादा नहीं, हलाबी एक याद रख लेना, दूसरा मेडजूल याद रख लेना, मेडजूल, हलावी, मेडजूल, खदरावी ऊपर है, खदरावी, और एक सबसे ज्यादा टीएसएस पूछ लेता है सामरान का, किसका है, सामरान। पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान वाले बच्चे इसको याद रख सकते हैं, कौन है, जाहिदी। अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे ज्यादा खजूर किस पार्ट में होते हैं, पश्चिमी में, कहाँ होते हैं, पश्चिमी में, और वहां कौन सा खजूर की वेराइटी ज्यादा लगाते हैं, तो उसका नाम क्या है, जाहिदी, क्या है, ठीक है, सॉरी हलावी, कौन सा है, हलावी। पिंड खजूर से क्या बनता है, जाहिदी से क्या बनते हैं, पिंड खजूर। अब आते हैं पेस्ट, इसके दो पेस्ट याद रखना। अच्छा, ये पेस्ट जो है राइनोसोरस बीटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दें। अरे सर ये तो अभी बता दियो, राइनोसोरस बीटल जो होंगे ये ऐसे ऐसे वाले पेड़ सब पे लगेंगे, यानी ऐसा पेड़ क्या है बताओ, खजूर है ना, अभी बता दिया, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पेस्ट और किसका होगा, नारियल का भी होगा, कोकोनट, और किसका है, डेट, इन दोनों का इंपॉर्टेंट पेस्ट है जिसका नाम क्या है, राइनोसोरस बीटल। क्या नाम है, इसको ऐसे लिखोगे, राइनोसोरस, राइनोसोरस बीटल, क्या नाम है इसका, राइनोसोरस बीटल। अच्छा ये राइनोसोरस बीटल, राइनोसोरस को देखे हो आप, गेंडा, तो गेंडा में क्या होता है, आगे एक ऐसे सिंह लगे रहते हैं ऐसे, और उसी से अपना वो आक्रमण करता है, बचाव करता है, इसका मतलब ये कीड़ा में भी वैसा ही होना चाहिए, तभी तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइनोसोरस बीटल। वार के हेडेड कैटरपिलर, यानी छाल को खाने वाला, तो ये दो इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, केवल नाम याद रखना है और कुछ नहीं। ये क्या है, वार के हेडेड कैटरपिलर, तो ये तुम्हें छोड़ देना, कुछ नहीं, केवल कीट आप ध्यान रखें। अगला इसका कंट्रोल और कैसे करोगे, तो सबके लिए कंट्रोल वही डालेंगे, मोनोक्रोटोफैस फॉस एक ध्यान रख लेना है इसके लिए। रिमूव इन्फेस्टेड लार्वा या लिप्स, लिप्स पे अटैक करेगा तो इसके लिप्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इंडोसल्फानर तो बैंड हो गया, ये बुक से लिखा गया है, तो ये कोई जरूरत है ना, ये वाले कीड़े याद रखना है। कीड़ा देख लिया ना, कैसा बीटल है, इसको देख के पकड़ लोगे अब, ये कैसा है, इसके माथे पे क्या है, किसके जैसा दिख रहा है, राइनोसोरस के जैसा, ये बीटल किसका, बस यही प्रश्न कीट में पूछेंगे, आपको यही ध्यान रखना है, राइनोसोरस बीटल जो होता है वो किसका कीट है, खजूर का है, नारियल का है, ठीक है, इसका ये लार्वा है, इसका ये क्या है, लार्वा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। बाकी कहानी इसके है, ये किसको डैमेज करेगा, छेद कर देगा, किसको बताओ, पत्ती को क्या कर देगा, छेद कर देगा, और पत्ती को सुखा देगा, गिरा देगा, वो सब कहानी एक ही है, ये सब ने इसका कंट्रोल के लिए इसको पकड़ पकड़ के बाहर फेंकते रहना। तो ये कहानी आज का हो गया, खजूर का समाप्त। कल टेस्ट लूंगा आपको, और टेस्ट में क्या है, कल टेस्ट में आपको कहाँ पढ़ के आना है बताओ, पूरी, जनरल और फ्रूट क्रॉप। अब हमारे बच गए कौन, ग्रेप्स, एक इंपॉर्टेंट क्या बचा हुआ है, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का काम करेंगे, बाकी फालसा उलसा का काम है वो हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।